स्टोरी कंटिन्यू होता है जहां जस्टिस डिपार्टमेंट के हेड साजिश में गिरफ्तार कैदियों के सजा सुना रहा होता है। येलिंग के मौत का सजा सुनकर मोटू काफी शॉक्ड होता है। इसके बाद लियान को भी मौत का सजा सुनाया जाता है। तब चाओ कहता है, मैं एक कमजोर महिला को ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ, मैं उसे सफाई का एक मौका देता हूँ। फिर लियान को सभा में बुलाया जाता है। चाओ पूछता है, तुम मुझे क्यों मारना चाहती थी? लियान कहती है, तुमने मेरे पिता को मारा है और मेरे लोगों को भी मारना चाहते हो, इसलिए तुम मौत को डिजर्व करते हो। ये सुनकर सभी मंत्री कहने लगते हैं, इसे अभी के अभी मार डालना चाहिए। तब चाओ कहता है, वार किसने पहले स्टार्ट किया था? तुम्हारे पिता ने मेरे 3000 लैनी आर्मी को मारा, मजबूरन मुझे जीतने के लिए सैनिक भेजने पड़े। फिर चाओ कहता है, अगर तुम घुटने टेक कर मुझसे माफ़ी मांगो तो मैं तुम्हें, तुम्हारे साथी और तुम्हारे लोगों को गुलामी से आज़ाद कर दूंगा। दूसरा कोई ऑप्शन ना पाकर लियान अपने येवे वालों के खातिर घुटने टेक कर चाओ से माफ़ी मांगती है और फिर चाओ उन्हें माफ़ कर देता है, लेकिन एक कंडीशन रखता है कि पूरे येवे के लोगों को अपना शहर छोड़ यूजो शहर माइग्रेट करना होगा। लियान उसके कंडीशन को मान लेती है। इसके बाद चाओ जुइंग को एज ए चीफ कमांडर यूजो शहर का ग्रैंड मार्शल अपॉइंट करता है, लेकिन स्टार्टिंग जुइंग नहीं मानता है क्योंकि वो लियान को और फेस नहीं करना चाहता। पर चाओ कहता है, ये मेरा ऑर्डर है और इसके बाद ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे मुझे तुम्हें मौत का सजा देने में मजबूर होना पड़े। इधर येलिंग सोच रही होती है, समारोह में चाओ ने रक्षा कवच नहीं पहना था, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। शायद सच में वो पहले सत्यगुरु से मिला होगा। युनवेन ने कहा था कि सत्यगुरु को सब कुछ पता है, अगर सत्यगुरु को खोजा जाए तो रूह का पता लगाया जा सकता है। इधर छुइंग लियान से कहता है, चाओ हम लोगों को इतना ईजिली कैसे छोड़ सकता है? क्या तुमने उसके साथ कोई डील किया है? इस पर लियान कहती है, उसने पूरे येवे वालों को यूजो शहर माइग्रेट करने का ऑर्डर दिया है। छुइंग गुस्सा से कहता है, हम लोग उसे फाइट करेंगे। लियान समझाती है, हम लोग उसे नहीं मार सकते और अगर हम लोग फिर से ऐसा करेंगे तो इस बार वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ हाइचिन को लोगों के थ्रू पता चलता है कि येलिंग को कल मौत का सजा होने वाला है। ये बात आकर वो उयू को बताती है। उयू कहता है, चाओ ने मास्टरमाइंड लियान को छोड़ दिया और येलिंग को क्यों मार रहा है? फिर वो लियान के पास जाता है और कहता है, कितने मतलबी हो तुम लोग, जिसने तुम्हें बचाया कल उसके ही मरने का वेट कर रहे हो। जिसे गिरफ्तार नहीं किया गया है उन्हें ही केवल चाओ ने माफ किया है। ये सुनकर गुस्सा से उयू वहां से चला जाता है। अगले दिन चाओ अपने सेक्रेटरी से पूछता है, क्या सच में येलिंग सत्यगुरु से मिली होगी? उसका सेक्रेटरी कहता है, मुझे नहीं पता। चाओ कहता है, येलिंग को यहाँ प्रेजेंट होने बोलो। तब उसका सेक्रेटरी कहता है, आज तो उसे सजा होने वाला है। तब चाओ लियान के पास जाता है और उसे कहता है, क्या येलिंग ने तुम्हें कुछ दिया या कुछ कहा है? जहाँ त्यान वो पहुँच देते हुए बताती है कि उसने कहा था वो बचपन में सत्यगुरु से मिली थी। तब चाओ सोचता है, क्या सच में येलिंग भी सत्यगुरु द्वारा चुनी गई है? और फिर वो अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है कि जल्दी से येलिंग को मेरे दरबार में बुलाओ। अब इधर येलिंग का सर कटने ही वाला होता है कि चाओ का सेक्रेटरी आकर रोक लेता है। फिर येलिंग चाओ के दरबार में हाजिर होती है। चाओ उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? येलिंग बताती है, रू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और अपने बेस्ट फ्रेंड की बड़ी बहन को इस तरह मरते नहीं देख सकती, इसलिए मुझे उसे भगाने के लिए ऐसा करना पड़ा। चाओ कहता है, अजीब हो तुम, तुमने जिन्हें बचाने के लिए अपना जान जोखिम में डाला वो लोग तुम्हें बचाने के लिए आगे भी नहीं हुए। फिर वह उसे सत्यगुरु के बारे पूछता है, जहां वो बताती है कि मैं सत्यगुरु से मिली थी और फिर मुझे बुरे सपने आते थे और वो सच भी हो जाता था। साथ ही वो बताती है कि मेरे पिताजी ने कहा था मेरे 25 साल पूरे होने के बाद सत्यगुरु मुझसे दोबारा मिलेंगे। चाओ कहता है, मैं उतना साल तुम्हारे पीछे वेस्ट नहीं कर सकता, मैं तुम्हें 3 महीने का टाइम देता हूँ, अगर तुम सत्यगुरु को नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हें दोबारा कोई नहीं बचा सकता। येलिंग कहती है, मैं विदाउट एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के बुक्स और टूल के बिना ये काम नहीं कर पाऊंगी। तब चाओ उसे दोबारा अपना काम का कार्यभार दे देता है। इधर एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में सब येलिंग का चुगली कर रहे होते हैं कि अब तक से तो वह मर भी गई होगी। ये सब मोटू से बर्दाश्त नहीं होता है और सबको चुप रहने बोलता है। तभी येलिंग आती है जिसको देखकर मोटू बहुत खुश होता है और डुआनमो यान का चेहरा लटक जाता है। दूसरी तरफ फान चेंग गुस्सा से लाल हो रहा होता है और अपना गुस्सा सर्वेंट पे उतार रहा होता है, क्योंकि चाओ ने न तो केवल येलिंग को बचाया बल्कि उसे अपना काम फिर से स्टार्ट करने दिया। इधर फान रो भी अपने सर्वेंट से इस बात का इन्वेस्टिगेशन करने बोलता है। अगले सीन में येलिंग युनवेन से कहती है, हो सकता है म्यांसी ब्रिज का रिलेशन सत्यगुरु से है। तभी उसे त्यान का बुलावा आता है। वह त्यान के पास जाती है जहां त्यान उसे डांटती है कि तुमने अपने फ्रेंडशिप के लिए हथियारों को भागने में हेल्प किया, नेक्स्ट टाइम से ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। येलिंग भी उसके बातों में हामी भरती है। फिर लियान उसे कहती है, गार्डन में कोई तुम्हारा वेट कर रहा है और ये सब चाओ ने अरेंज किया है। जब वो गार्डन की तरफ जाती है तो लियान को देखकर काफी खुश होती है। यहाँ लियान येलिंग को गुडबाय करने आई होती है।
इधर शिवान और फान पिंग जुइंग को छोड़ने आते हैं और जुइंग को जो भी पास्ट में अच्छा बुरा हुआ उसे भुलाकर नई जिम्मेदारी के लिए बेस्ट विशेस देते हैं। फिर येलिंग भी लियान को छोड़ने आती है और उसे कहती है, तुम यूजो जाकर तुबो जनजाति के लोगों को ढूंढना। मैंने एंशियंट बुक में पढ़ा है वे हेलुओ कबीले के ही ब्रांच है और उनमें मिट्टी को पत्थर, पत्थर को मिट्टी करने की शक्तियाँ हैं। लियान कहती है ठीक है। फिर येलिंग चली जाती है। तब लियान जुइंग से कहती है, अब ये भाई कुल के देखरेख तुम्हारे हाथों में है। तब जुइंग कहता है, क्या हम लोग पास्ट में जो भी हुआ उसे पास्ट में ही रहने दें और आगे बढ़ें। इस पर लियान उससे एग्री करती है और फिर दोनों यूजो के लिए रवाना होते हैं। दूसरी तरफ हाई चीन वूयू को बताती है कि येलिंग को मौत का सजा माफ करके उसे दोबारा एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में अपना काम वापस दिया गया। वूयू कहता है कि एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है ये जानने के लिए हमारे कुछ जासूस को वहाँ भेजने का टाइम आ गया है। इसके बाद विंग क्लैन का एक जासूस तियान के पास जाती है और उससे कहती है, अभी तियानची में अशांति है, हमारे कुल को पुनर्स्थापित करने का ये अच्छा मौका है। अगर आप हमें प्रोटेक्ट करेंगी तो ये काम इजी होगा। लेकिन तियान काफ़ी गुस्सा जाती है और गार्ड्स के थ्रू उसे बाहर निकलवा देती है। इधर हाइजीन वूयू को ये बात बताती है। तब वूयू कहता है, मुझे पहले ही डाउट हो रहा था वो एज ए स्नो क्रैन अपना ड्यूटी भूल चुकी है। हाइजीन कहती है, वो एक मामूली इंसान थी, आपके कारण ही उसने स्नो क्रैन का टेक्निक सीखा। अपने ही कुल को धोखा देने के लिए अब उसे चंद्रग्रहण के साइड इफेक्ट से गुजरना पड़ेगा। दूसरी तरफ येलिंग काफ़ी सोचती है और म्यांची ब्रिज जाने का डिसाइड करती है। इसके बाद फान रूह चाओ से कहता है, समारोह में सभी ने देखा कि येलिंग ने हत्यारों को भागने में हेल्प किया था लेकिन आपने उसे पनिश के बिना ही छोड़ दिया। तब चाओ कहता है, उसी ने मुझे बताया था कि समारोह में मुझे कोई मारने वाला है, इसलिए तो मैंने अपने बचाव के लिए सारा प्रिपरेशन कर रखा था। तब फान रो कहता है, एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट वाले कह रहे थे कि वो आपके ऑर्डर से अपना ड्यूटी कर रही है। चाओ कहता है, कौन सा ऑर्डर? इधर येलिंग किसी जगह का इन्वेस्टिगेट करती है। जब वो रिटर्न आती है तो शिवान को पाती है। शिवान कहता है, सम्राट ने इंपीरियल आर्मी को तुम्हें ढूंढने का ऑर्डर दिया है। लगता है फान रूह तुम्हारे बारे सम्राट को कुछ बता रहे हैं। फिर येलिंग चाओ के पास जाती है। चाओ कहता है, तुम कहाँ थी? तो वो कहती है, मैं अपने काम के लिए साउथ पैलेस गई थी। चाओ कहता है, कौन सा काम? तब येलिंग इशारा करती है, क्या सच में बता दूँ? तब चाओ उन दोनों को जाने बोलता है लेकिन येलिंग को रोकते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें जो काम दिया है उसका हर 3 दिन में रिपोर्ट देना ताकि तुम्हें इस तरह का एक्सक्यूज दोबारा ना देना पड़े। इधर फान रू अपने सर्वेंट से कहता है, कुछ तो बात है जो सम्राट मुझसे छुपा रहे हैं। सम्राट ने येलिंग को मौत की सजा से बचाया है, यानी जरूर ही वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन होगी, इस बात का पता लगाना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ जुइंग लियान को बताता है कि तियानची से खबर आया है सम्राट ने येलिंग को माफ कर दिया। अफवाह ये है कि उसने ही इस साजिश के बारे सम्राट को बताया था। लियान कहती है, नहीं ऐसा बात नहीं है। तब जुइंग कहता है, हाँ मुझे पता है ऐसा बात नहीं है, मुझे लगता है लोगों का मुंह बंद रखने के लिए सम्राट ने ऐसा कहा है। अगले सीन में फान पिंग कहीं जा रहा होता है तो रास्ते में उसे गुकिन का मधुर धुन सुनाई देता है। जब वो अंदर जाता है तो थांग को गुकिन बजाते हुए देखता है। वो थांग का काफी तारीफ करता है। तब थांग कहती है, ये मुझे यहाँ के मालिक ने सिखाया है। तब तक वूयू भी उनके पास आता है। फिर वे दोनों बातें करते हैं। काफी देर बात करने के बाद फान पिंग वहाँ से चला जाता है। इधर फान रूह का सर्वेंट फान रूह से कहता है, सर मैं आपके इंस्ट्रक्शन के अनुसार हमने जो एक्स्ट्रा टैक्सेस कलेक्ट किया है उसमें हेर फेर करूंगा और आधा पैसा ही राजकोष में जमा करूंगा। इसके बाद कुछ मंत्री चाओ के पास जाते हैं और कहते हैं, सीतू डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग इस साल टैक्सेस कलेक्शन में गिरावट आया है, कुछ काउंटीज कंप्लीट टैक्स पे नहीं कर पाए हैं, इस हिसाब से जो येबई से माइग्रेट कर रहे हैं उन्हें फंड देना मुश्किल है। तब चाओ कहता है, ये सब मुझे बताने का जरूरत नहीं है, इन सब के लिए मैंने फान रूह को एज ए स्टीवर्ड का पद दिया है, उसे जैसा ठीक लगे वैसा ही करे। अगले सीन में चाओ येलिंग को बुलाकर कहता है, जो लोग येबई से माइग्रेट कर रहे हैं उन्हें राजकोष से फंड देने का जरूरत है, तो मुझे क्या करना चाहिए? येलिंग कहती है, आप ये बात फान रूह से ना पूछकर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आप उसे रोक नहीं सकते? चाओ कहता है, नहीं ऐसा बात नहीं है, एक्चुअली उसके पास दूरदर्शिता ही नहीं है और मैं जो हासिल करना चाहता हूँ वो सालों का मेहनत है जिसमें फान रूह कॉपरेट करने से रहा। येलिंग कहती है, मुझे नहीं लगता है फान रूह को ये हिम्मत है कि वो राजकोष का पैसा यूज करे, लेकिन वो अपना पैसा जमा करने में भी आगे है, शायद उसके पास अपना कोई प्राइवेट तिजोरी हो। ऐसा बात है तो अगर आपको उसके पास से कुछ माल मिलता है तो वो आपके सामने जरूर झुकेगा। तब चाओ कहता है, फान रूह का वीकनेस उसका बेटा फान जेंग है और फान जेंग निहायत ही करप्टेड है। रिसेंटली उसने सीमा ब्यूरो के साथ मिलकर पवन धनुष का निर्माण किया है और इसका शूटिंग रेंज हेलवो के शूटिंग रेंज से भी अधिक है, इसलिए मुझे इसका सीक्रेट जानना है।
तब येलिंग उस धनुष को चेक करती है जहां उसे बर्फ का एक टुकड़ा मिलता है। अगले सीन में फान जेंग चाओ के पास जाता है। चाओ उससे कहता है, मैं फिर से तुम्हारे बनाए गए धनुष का पावर देखना चाहता हूँ। फिर येलिंग एक तीर चलाती है जो कि काफी दूर जाकर एग्जैक्ट पॉइंट पर लगता है। इसके बाद वो आइस क्रिस्टल निकालती है और दोबारा तीर चलाती है, लेकिन अब की बार तीर एकदम से सामने ही गिर जाता है। चाओ फांग जेंग से पूछता है, ये सब क्या है? येलिंग बताती है, जब तक धनुष में आइस क्रिस्टल का पावर रहेगा तब तक इसका शूटिंग रेंज बढ़िया रहेगा। तब चाओ कहता है, मतलब विदाउट आइस क्रिस्टल ये धनुष यूजलेस है। इधर से येलिंग कहती है, लगता है तुमने इस धनुष का पावर दिखाने के लिए इसके रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन पर काफी खर्च किया होगा। तब फांग जेंग बचने के लिए गिड़गिड़ाते हुए कहता है, सम्राट मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे धोखा दिया गया है। तब चाओ एक तीर उसके बाल में घुसा देता है और कहता है इसको हटाना नहीं है। दूसरी तरफ फान रोह चाओ से माफी मांगता है कि मैं सजा का हकदार हूँ, मैंने अपने बेटे पर ध्यान नहीं दिया। तब चाओ कहता है, फान जेंग ने जितना पैसा राजकोष से निकाल कर खर्चा किया है, मेरे हिसाब से उतना पैसा ये बे से माइग्रेट करने वालों के लिए काफी होगा। अब दूसरा कोई ऑप्शन ना पाकर फान रोह को अपने पॉकेट से पैसा निकालने में मजबूर होना पड़ता है। इधर फान जेंग परेशान हो रहा होता है। फान रोह उसे लात मारते हुए कहता है, तुम ही हो जो मुझे प्रॉब्लम में डालते हो। लेकिन जब फांग जेंग को पता चलता है कि सम्राट उसे मौत का सजा नहीं बल्कि ऑफिशियल कामों से निकाला है, तो वह काफी खुश होता है। फान रोह उसके बालों से तीर निकालने खोजता है। तब फांग जेंग रोकते हुए बोलता है, सम्राट ने इसे टच करने से मना किया है। फान रोह परेशान होकर बोलता है, तुम अभी के अभी निकलो यहाँ से। दूसरी तरफ येलिंग चाओ के पास जाती है और कहती है, मैं अपना रिवॉर्ड लेने आई हूँ। चाओ कहता है, क्या रिवॉर्ड चाहिए? तब येलिंग कहती है, मुझे पैलेस में जाने के लिए पास चाहिए। और ऐसा कहते हुए वो उसके टेबल के ऊपर बैठती है। तब चाओ कहता है, तुम कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रही हो, और वो येलिंग को भगा देता है। येलिंग जाते हुए कहती है, कितना निर्दयी इंसान है। इधर चाओ स्माइल करने लगता है। अगले सीन में लियान और जूइंग येबे पहुँचते हैं। लियान येबे वालों से कहती है, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। तभी चाओ का आदेश आता है जिसमें लिखा होता है कि कमांडर इन चीफ जूइंग और येबे की प्रिंसेस लियान का शादी कराया जाएगा और दोनों के ऊपर येबे वालों का जिम्मेदारी रहेगा। ये सुनकर सभी शॉक्ड होते हैं। लियान कहती है, मैं ये आदेश नहीं मान सकती, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि चाओ अपना आदेश कभी वापस नहीं लेता है। येबे के लोग लियान से कहते हैं, क्या यही गुड न्यूज़ है? और येबे के लोग माइग्रेशन के लिए रेडी भी नहीं होते हैं। अपने लोगों का बढ़ता नफरत देखकर लियान को काफ़ी बुरा लगता है। दूसरी तरफ हाइचिन उयू से कहती है, आज पूर्णिमा है और त्यान अपने लूनर इरोशन इफेक्ट से गुजरने वाली है। इससे पहले तो आप उसे टाइम टू टाइम एंटीडोट देते थे, पर अब तो उसने एज ए स्नो क्रेन अपने ओल्ड मास्टर को धोखा दिया है। वह जरूर ही मौत को डिजर्व करती है। ये सब बातें थांग सुन लेती है और सोचती है, क्या सच में उयू विंग क्लैन का चौथा राजकुमार है? इधर इनर पैलेस एकदम अच्छे से सजा धजा रहता है, जहाँ सभी त्यान को बर्थडे विशेष कर रही होती है। जब चाओ इतना रौनक देखता है तो अपने सेक्रेटरी से कहता है, इससे पहले इतना अच्छा माहौल कभी नहीं देखा था, जरूर ही येलिंग ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया होगा। तब उसका सेक्रेटरी कहता है, अगर ऐसा है तो आपको उसे रिवॉर्ड देना चाहिए, नहीं तो वो आपको निर्दयी ही बोलेगी। तभी उधर से त्यान पर लूनर इरोशन का इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है और उसे काफ़ी पेन होने लगता है। चाओ अपने सेक्रेटरी से कहता है, फैंग इन को बुलाओ और उसे अपना काम करने बोलो। इधर दर्द से त्यान काफ़ी बौखला रही होती है। येलिंग को समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है, लेकिन त्यान को इस तरह से देख वो उसका ईयरपिन निकालती है और उसके हाथ में पिन करती है, जिसे थोड़ा ब्लड निकलता है और त्यान शांत हो जाती है। इसके बाद फैंग इन आकर चाओ को बताता है कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा नहीं किया, क्योंकि त्यान पर लूनर इरोशन का इफेक्ट कम हो गया। तब चाओ स्नो क्रेन के बारे पता करने का ऑर्डर देता है और एपिसोड 10-11 यहीं खत्म हो जाता है।